लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक तो बॉयलर फीड पंप का स्पीड, डिस्चार्ज प्रेशर, फ्लो और पावर का बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। मान लीजिए एक तो बॉयलर फीड पंप है जिसका फ्लो रेट है क्यू और जो पंप का जो रोटेटिंग स्पीड है वो एन आर पी एम है। तो अभी हम लोग देखेंगे बॉयलर फीड पंप का फ्लो रेट और पंप का जो स्पीड है वो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। न पंप का फ्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंप का जो स्पीड है उसका साथ। इसका मतलब पंप का स्पीड जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से पंप का जो डिस्चार्ज है यानी कि फ्लो रेट है उतना बढ़ेगा। चलिए एक तो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक तो बॉयलर फीड पंप है जो कि N1 RPM यानी कि 1000 RPM में घूम रहा है, तो हम लोग उसको 2000 RPM यानी कि N2 RPM में घुमाएंगे तो उसका जो फ्लो रेट है कितना बढ़ेगा। चलिए कैलकुलेशन एक तो करते हैं। Q1 यानी कि जो फ्लो रेट 50 m³/h है वो N1 RPM में है, तो जब N2 RPM को हम बढ़ाएंगे तो Q2 कितना होगा। Q2 फ्लो रेट इज इक्वल टू 50 × 2000/1000। Q2 इज इक्वल टू 100 m³/h। इसमें से क्या पता चला, नेक्टो पंप का फ्लो को दोगुना करने के लिए उसका स्पीड को दोगुना करना पड़ेगा। अभी हम लोग जानेंगे एक तो बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज हेड और पंप का जो स्पीड है वो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। एक तो बॉयलर फीड पंप का जो डिस्चार्ज हेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंप का जो स्पीड है उसका स्क्वायर के साथ। चलिए एक तो एग्जाम्पल को लेकर इस चीज़ को समझते हैं। तो जिस फार्मूला को लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। H1/H2 इज इक्वल टू N1²/N2². मान लीजिए कि एक तो बॉयलर फीड पंप का जो स्पीड है वो 1750 RPM है, उसको हम लोग 3500 RPM को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। बॉयलर फीड पंप का स्पीड बढ़ने के वजह से प्रेशर में जो चेंजेस आएगा उसका वैल्यू H2 = 100 × 3500²/1700². H2 = 400 m, यानी कि 400 m हेड डेवलप होगा। तो अभी हम लोग जानेंगे एक तो बॉयलर फीड पंप का मोटर चलने के लिए जो पावर ड्रॉ करता है और उसका जो स्पीड है ये दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। एक तो बॉयलर फीड पंप का जो मोटर है वो जो पावर ड्रॉ करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N³ यानी कि उसका स्पीड का क्यूब पावर के साथ में। मान लीजिए एक तो बॉयलर फीड पंप का स्पीड 1750 RPM है, उसका स्पीड को 3500 RPM तक बढ़ाएंगे। P1 जो पावर ड्रॉ कर रहा है N1 RPM में वो है 5 kW। तो P2 यानी कि N2 RPM जब होगा तो P2 का वैल्यू कितना होगा। और P2 इज इक्वल टू 5 × 3500³/1750³। तो P2 का जो वैल्यू होगा वो है 40 kW। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को
लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।